हेलो फ्रेंड्स, तो फाइनली 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 अवेंजर्स द एंड गेम का टीजर आ गया, जिसे देखकर हमें ये पता चला कि सच में फिल्म का टाइटल द एंड गेम ही था, जिसे डॉक्टर स्ट्रेंज ने इन्फिनिटी वॉर फिल्म के एंड में कहा था। लेकिन फिर भी स्टूडियो की तरफ से इस बात को मना किया जा रहा था कि असल में इस फिल्म का टाइटल एंड गेम नहीं है, लेकिन अब वो सारी बातें सच हो गई है फिल्म के टाइटल को लेकर। तो अब बाकी की डिटेल की बात हम आगे करेंगे कि हमें कौन सी नई चीज नजर आई है इस टीजर में। बोल तो क्या है वो, चलिए देखते हैं। तो डेफिनेटली आगे बढ़ने से पहले स्पॉइलर अलर्ट बनता है, क्योंकि शायद मैं अपनी थियरीज चलाकर एक हिसाब से अवेंजर्स दी एंड गेम फिल्म के छोटे मोटे सीन्स को स्पॉइल कर दूं। इसलिए उन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिएगा, वरना कमेंट में गालियां लिखने वालों की कमी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि वीडियो वो लोग आगे कंटिन्यू करेंगे जिन्हें पता है कि ये सिर्फ और सिर्फ मेरी एक थियरी है। तो अब इन सभी बातों को ध्यान में रखकर आप इस वीडियो को आगे कंटिन्यू कीजिए। वेल, तो एक अच्छी बात ये है कि इस बार हमें इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं और हॉकाई, जिन्हें इन्फिनिटी वॉर के ट्रेलर और टीजर में नहीं दिखाया गया था, और वो दोनों फिल्म में भी नहीं थे। ऐसे में अब मुझे लगता है कि इस फिल्म में थोड़ा सा ज्यादा फोकस इन दोनों कैरेक्टर्स पर किया जाएगा, क्योंकि इन दोनों को ही इस पार्ट में सबसे इम्पोर्टेंट काम दिया जाएगा। क्योंकि बात करें हॉकाई की, तो हॉकाई एक मिशन पर गया हुआ है जिसकी डिटेल किसी के पास भी नहीं है। बस सिर्फ इतना बताया गया है कि हॉकाई वहां पर याकुजा मेंबर से बातचीत करने गया है, लेकिन चीजें खराब हो जाएगी जिस वजह से हॉकाई अपने हिसाब से इस डील को खत्म करेगा। लेकिन हमें वहाँ पर एक और एक्टर नजर आता है जो जमीन पर पड़ा हुआ है, अगर आपने ध्यान से देखा होगा तो। वेल, इस एक्टर का नाम है हीरो यूकी, जिन्हें हमने इसके पहले एक और मार्वल की फिल्म द वुल्वरिन में देखा था। वेल, तो जब उनकी कास्टिंग की अनाउंसमेंट की गई थी तो लोगों ने यहाँ पर ये रूमर फैला दिया था कि यूकी को नेमोर फिल्म के लिए साइन किया गया है, लेकिन अब हमें वो अवेंजर्स दी एंड गेम के टीजर में नजर आए। यानी एक और रूमर यहाँ पर निकल कर ये आएगा कि शायद हो सकता है कि अब अवेंजर्स 4 में हमें अवेंजर्स एंड गेम में हमें ह्यूग जैकमैन भी नजर आ जाए वुल्वरिन, क्योंकि हॉकाई हीरो यूको को मारने टोक्यो साइड ही गया होगा और द वुल्वरिन फिल्म की लोकेशन टोक्यो की ही थी। वेल, अब इस बात में कितना दम है उसका तो मुझे कोई आइडिया नहीं है, लेकिन अगर आप यहाँ पर मेरा ओपिनियन पूछो तो मुझे ऐसा कुछ भी नहीं लगता, क्योंकि इस फिल्म का टाइटल भी एंड गेम है और इसी टाइटल से हमें ये पता चल जाता है कि थानोस का चैप्टर और जो कुछ भी थानोस ने किया है वो सारी की सारी चीजें इसी पार्ट में खत्म की जाएगी, ताकि फेज 4 में एक नए यूनिवर्स की शुरुआत की जाए। और आपने एक चीज और ध्यान दी होगी, जब हॉकाई की एंट्री दिखाई गई है तो वहाँ पर फैमिली की भी बात की गई है, यानी ऐसा हम मान सकते हैं कि हॉकाई का रॉनिन बनने के पीछे कहीं ना कहीं इसी का मकसद है कि शायद याकुजा वालों ने किसी के कहने पर हॉकाई की पूरी फैमिली को मार दिया है, या फिर थानोस के फिंगर स्नैप करने की वजह से हॉकाई की फैमिली गायब हो गई, बस बच गया तो हॉकाई। और अब हॉकाई वही सारी चीजें पता लगा रहा है कि ये सब चीजें कैसे हुई और अब इन सब चीजों को कैसे रोका जा सकता है। और फिर अगले ही सेकंड में हमें वहां पर नताशा यानी ब्लैक विडो भी नजर आती है, जो शायद वहां पर हॉकाई को लेने आई है, क्योंकि उनका मकसद थानोस को हराना है किसी भी हालत में। वेल, तो हॉकाई के लुक को सिर्फ बैक साइड से ही दिखाया गया है कि हॉकाई फिल्म में कैसा दिखने वाला है, लेकिन पूरी डिटेल अभी भी नहीं बताई गई है। तो शायद हो सकता है कि आने वाले कुछ दिनों में हमें हॉकाई का लुक बिल्कुल क्लियर तरीके से दिखा दिया जाए कि फिल्म में हॉकाई कैसा दिखने वाला है। वेल, तो ये बात हो गई हॉकाई की। अब आते हैं हमारे टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन पर, कि टाइटन प्लेनेट पर हंगामा मचाने के बाद टोनी स्टार्क की अगली मंजिल क्या है, क्योंकि टोनी वहां पर नेब्यूला के साथ था जब वहां पर बाकी सुपर हीरोज मरे थे तब, जिसके बाद टोनी की उम्मीद पूरी तरीके से टूट गई। उसके बाद टोनी और नेब्यूला वहां से गार्डियंस की शिप में बैठकर निकल गए ताकि वो लोग देख सके अर्थ पर जाकर के असल में वहां पर क्या हुआ है। लेकिन फिर कुछ प्रॉब्लम हुई होगी टोनी और नेब्यूला के बीच, जिसके बाद नेब्यूला ने शायद टोनी को उसी के हाल पर छोड़ दिया होगा उस शिप पर, और अब टोनी वहां पर बिल्कुल अकेला है, जिससे कि वो और भी ज्यादा टूट जाएगा। और फिर हमें पता चलता है कि 4 दिन हो गए हैं वहां पर ना पानी है और ना खाना, और जिस हिसाब से गार्डियंस की शिप को हमें दिखाया जा रहा है तो मुझे लगता है कि अब शिप की एनर्जी भी खत्म हो गई होगी। जिस हिसाब से टोनी स्पेस में सिर्फ और सिर्फ अनजान रास्ते जा रहा है, उसे नहीं पता है कि अब कहां जाना है, क्योंकि टोनी के पास उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। बचा है तो सिर्फ और सिर्फ आयरन मैन के सूट का हेलमेट, जिसकी डिटेलिंग काफी ज्यादा अच्छी की गई है, क्योंकि इन्फिनिटी वॉर फिल्म में थानोस ने टोनी के हेलमेट का क्या हाल किया था वो चीज आप सभी को याद होगी। वेल, तो अब आते हैं नेब्यूला पर, कि नेब्यूला इस शिप में क्यों नहीं है टोनी के साथ। वेल, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर यहां पर नेब्यूला टोनी के साथ होती तो टोनी अब तक अर्थ पर पहुंच गया
किया होता, क्योंकि अगर एक हिसाब से सोचा जाए तो नेबुला को शायद स्पेस के रास्ते पता है, क्योंकि टाइटन प्लैनेट पर वो अचानक से आती है वहाँ पर थैनोस को मारने के लिए, जिसके बाद फिल्म का एक डिलीटेड सीन हमारे सामने आया था जिसमें हमें बताया गया था कि नेबुला थैनोस की शिप से भागकर सीधे टाइटन आने वाली है और उसने ये बात गार्डियंस को भी बताई थी, जिसके बाद गार्डियंस सीधे टाइटन प्लैनेट पर आए थे। यानी अगर यहाँ पर सोचा जाए तो नेबुला को अब शायद ये पता चल गया होगा कि उसे आगे क्या करना है, इसलिए वो टोनी को वहाँ पर उसी के हाल पर छोड़कर चली गई ताकि वो कुछ मदद ले आ सके शायद रेवेंजर्स की, जिन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिखाया गया था और उनकी टीम का लीडर सिल्वेस्टर स्टेलोन था। तो अब इतने बड़े एक्टर को छोटे से सीन में दिखाकर एमसीयू सारी की सारी बात वहीं पर खत्म नहीं कर देता है, तो हम ऐसा मान सकते हैं कि सिल्वेस्टर स्टेलोन और उनकी टीम का कोई ना कोई मकसद जरूर होगा जिस हिसाब से उन्हें गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में दिखाया गया होगा। वेल, तो अब आते हैं टोनी स्टार्क पर, जहाँ पर टोनी स्टार्क अपने हेलमेट में अपनी कुछ यादें रिकॉर्ड कर रहा है पेपर पॉट्स के लिए, क्योंकि टोनी को ये नहीं पता है कि वो इस स्पेस में जिंदा बचेगा या नहीं, इसलिए बैकअप प्लान करना जरूरी है ताकि जब कभी भी पेपर को ये मैसेज मिले तो पेपर ये ना समझे कि टोनी उसे छोड़कर भाग गया था। वेल, तो उसके बाद हमें नजर आता है मार्वल स्टूडियो का 10 इयर्स का लोगो जो राख बनकर सीधे उड़ गया, और इसका मतलब शायद ये हो सकता है कि इन्फिनिटी वॉर फिल्म में जो आधी पॉपुलेशन मरी थी सुपर हीरोज के साथ, उससे सिर्फ अर्थ को ही नहीं बल्कि पूरे यूनिवर्स को काफी बड़ा झटका बैठा है, यहाँ तक के मार्वल स्टूडियो को भी। या तो हम सिर्फ बस ऐसा मान लें कि इस चीज को दिखाया गया है ताकि फैंस को याद आ जाए कि इन्फिनिटी वॉर फिल्म के एंड में क्या हुआ था थैनोस के फिंगर स्नैप करने के बाद। उसके बाद हमें नजर आया थैनोस का आर्मर, जिसे थैनोस ने स्कैरक्रो बनाकर अपने फार्म में टंगाया है ताकि अब इससे दुनिया नहीं बल्कि फार्म में आ रहे बर्ड्स डरकर भागे, क्योंकि थैनोस को ऐसी ही लाइफ पसंद थी और वो इसी के सपने देखा करता था, जिसे थैनोस ने काफी मुश्किलों के बाद हासिल किया है। और फिर हम देख सकते हैं थैनोस की एक झलक जो अपने फार्म में घूम रहा है इन्फिनिटी गाउनेट पहनकर। लेकिन अगर आपने थैनोस के चलने पर ध्यान दिया होगा तो हमें उसे देखकर यह अंदाजा हो जाता है कि थैनोस की हालत थोड़ी खराब है और वो अभी भी अपने जख्मों से स्टेबल नहीं हुआ है, और खेत में गाउनेट पहनकर घूमना ये बात थोड़ी अजीब लगती है। लेकिन अगर यहाँ पर अंदाजा लगाया जाए तो शायद थैनोस को पता चल गया है कि बाकी बचे सुपर हीरोज थैनोस के खिलाफ कुछ अलग करने वाले हैं, जिससे थैनोस की ये छुट्टी पूरी तरीके से खत्म होने वाली है, इसलिए वो फिर से अपने गाउनलेट को पहनकर बाकी बचे सुपर हीरोज को खत्म करने जा रहा होगा। उसके बाद हम बैकग्राउंड में ब्लैक विडो की वॉइस सुन सकते हैं जो कह रही है कि थैनोस ने जो कहा था उसने वो कर दिखाया आधी पॉपुलेशन को खत्म करकर। और इसी के साथ साथ हम अवेंजर्स का हेडक्वार्टर भी देख सकते हैं, जहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो हमें वहाँ पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है सिवाय सुपर हीरोज के। और फिर हमें एक झलक वहाँ पर ब्रूस बैनर की भी नजर आती है, जो खड़े खड़े ये चेक कर रहे हैं कि बाकी के बचे सुपर हीरोज कहाँ है, जिनमें सबसे पहले हमें नजर आता है स्कॉटलैंड यानी एंटमैन, और उसके नीचे हम मिसिंग वर्ड भी बिल्कुल साफ साफ देख सकते हैं, यानी एंटमैन कहाँ है किसे कुछ भी नहीं पता। उसके बाद हमें वहाँ पर नजर आती है शूरी, और शूरी भी मिसिंग है, यानी थैनोस के स्नैप से शूरी भी बच गई है शायद। और उसके बाद पीटर यानी स्पाइडरमैन, जो उनकी लिस्ट में अभी भी मिसिंग है, यानी इस लिस्ट में टोनी स्टार्क भी मिसिंग ही होगा, क्योंकि अगर उन्हें पीटर के बारे में नहीं पता तो फिर पक्का है कि उन्हें टोनी स्टार्क के बारे में भी नहीं पता होगा, यहाँ तक कि डॉक्टर स्ट्रेंज के बारे में भी, कि जब आधी पॉपुलेशन गायब हुई थी तो उस पॉपुलेशन के साथ साथ स्पाइडरमैन और डॉक्टर स्ट्रेंज भी गायब हो गए। तो अब देखने में ज्यादा मजा ये आएगा कि टोनी स्टार्क को बाकी अवेंजर्स ढूंढेंगे कैसे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि उस सिचुएशन से वहां पर टोनी को अवेंजर्स नहीं बल्कि नेबुला ही निकाले रेवेंजर्स की मदद से। और फिर अगला सीन अवेंजर्स हेडक्वार्टर के अंदर से, जो पूरी तरीके से खाली पड़ा है, और फिर हम स्टीव रॉजर यानी कैप्टन अमेरिका को भी देख सकते हैं जो शायद बकी की याद में रो रहा है। लेकिन यहाँ पर स्टीव रॉजर का लुक पूरी तरीके से चेंज है, तो हम यहाँ पर शायद ये मान सकते हैं कि अब स्टीव रॉजर नोमैड नहीं है, वो फिर से कैप्टन अमेरिका बन गए हैं, क्योंकि शायद ऐसा हो सकता है कि सुकूबिया अकॉर्ड्स अब मायने नहीं रखता हो थैनोस के बड़े कारनामे के बाद, और जो बाकी बचे हुए लोग होंगे गवर्नमेंट्स की तरफ से, वो लोग भी कहीं ना कहीं अब डर ही गए हैं थैनोस की इस हरकत से, जिस वजह से उन लोगों ने स्टीव रॉजर से अपना ध्यान पूरी तरीके से हटा दिया है और सिर्फ इसी पर फोकस कर रहे हैं कि अब जो चीज थैनोस ने बिगाड़ी है उसे सही कैसे किया जाए। और फिर अगले सीन में हम देख सकते हैं थॉर को, जो काफी उदास बैठा हुआ है, क्योंकि शायद कहीं ना कहीं थॉर को ये लग रहा होगा कि उसी की गलती की वजह से ये सब कुछ हुआ है, क्योंकि अगर वो वहाँ पर थैनोस को सीधे सर पर वार करता तो ये नौबत नहीं पड़ती। और फिर अगला सीन नेबुला का, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि वो गार्डियंस की शिप में है और वहीं वो याद कर रही है अपनी बहन गमोरा को। और फिर अगला सीन ब्लैक विडो और कैप्टन अमेरिका का, जहाँ पर हम कैप्टन अमेरिका को उनके सूट में देख सकते हैं और वहीं पर हमें ब्लैक विडो भी बिल्कुल रेडी नजर आ रही है, यानी यहाँ पर कैप्टन अमेरिका ने कोई अलग प्लानिंग की है, इसलिए यहाँ पर वो ये कहते हैं कि यही एक आखिरी फाइट है जिसे उन्हें लड़ना है, और उसका अंजाम क्या होगा वो खुद कैप्टन अमेरिका को भी नहीं पता। और फिर उसके बाद आता है फिल्म का टाइटल, जिस टाइटल को देखकर ये कंफर्म हो जाता है कि जो लीक आर्ट
कौन से हुई थी वो सच में फिल्म की ही थी, और हमें फिल्म में सच में क्वांटम रीम से रिलेटेड काफी कुछ दिखाया जाने वाला है, क्योंकि शायद जो प्लान कैप्टन अमेरिका के पास है उसकी उम्मीद जगाई है स्कॉट लैंग यानी हमारे एंटमैन ने, जो हमें इस टीजर के आखिर में नजर आता है। और इसी के साथ साथ हम देख सकते हैं कि स्कॉट के पास वही ट्रक है जिस ट्रक के अंदर क्वांटम रीम की मशीन बनाई गई थी। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि स्कॉट क्वांटम रीम से बाहर कैसे आया और उसे उस मशीन से बाहर किसने निकाला। लेकिन यहाँ पर अगर अंदाजा लगाया जाए तो शायद हो सकता है कि स्कॉट की मदद रोस ने की हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्कॉट की बेटी कैसेंड्रा ने उसकी मदद की हो, क्योंकि हमने एंटमैन एंड द वास्प फिल्म और एंटमैन में देखा था जहाँ पर हर बार कैसेंड्रा हमें हिंट देती हुई नजर आई कि वो अपने फादर की टीम ज्वाइन करना चाहती है, लेकिन उस टाइम पर वो काफी छोटी थी जिस वजह से वो स्कॉट की टीम को ज्वाइन नहीं कर सकती। लेकिन अवेंजर्स 4 का एक और रूमर ये है कि इस फिल्म में काफी बड़ा टाइम जंप होगा, लगभग 5 साल का या फिर उससे ज्यादा भी हो सकता है, क्योंकि टोनी स्टार्क का हेयर स्टाइल पूरी तरीके से बदल गया है और उसी के साथ साथ स्कॉट की बेटी भी बड़ी हो गई है जिसकी कास्टिंग ऑलरेडी अवेंजर्स 4 में की गई है, और इस बार कैसेंड्रा का रोल उस फिल्म में करने वाली है इमा फूमैन। वेल तो मुझे लगता है इतनी ही डिटेल हमें इस छोटे से टीजर में नजर आती है, क्योंकि टीजर में फिल्म के प्लॉट को नहीं बताया जाता, जिस हिसाब से हमें नहीं पता चलता कि असल में फिल्म की स्टोरी कहां जाने वाली है। सिर्फ छोटे मोटे क्लूज ही हमें इस टीजर में दिखाए जाते हैं ताकि हम सोचते बैठे कि असल में फिल्म में क्या होने वाला है। और एक चीज आपने ध्यान दी होगी कि इस टीजर को अपलोड किया गया है और टाइटल सिर्फ और सिर्फ अवेंजर्स ही रखा गया है, यानी यहां पर भी फिल्म के टाइटल को रिवील नहीं किया गया, और जो लोग जब इस टीजर को देखेंगे तभी उन्हें फिल्म का टाइटल पता चलेगा कि असल में फिल्म का टाइटल दी एंड गेम है। और उसी के साथ साथ बात करें इसी सीन की, वेल तो यहां पर स्कॉट स्टीव रॉजर को ये याद दिला रहा है कि वो है कौन, जिसके बाद स्टीव थोड़ा चौंक जाता है और ब्लैक विडो से ये पूछता है कि ये कोई पुरानी रिकॉर्डिंग है, जिसके बाद ब्लैक विडो ये बताती है कि नहीं ये कोई पुरानी रिकॉर्डिंग नहीं बल्कि पीछे के गेट का कैमरा है। इससे हमें ये पता चलता है कि काफी महीने या फिर साल हो गए हैं सुपर हीरोज अवेंजर्स हेडक्वार्टर से बाहर नहीं निकले। वेल तो अब जितनी डिटेल मुझे नजर आई वो सारी की सारी बातें मैंने आपको बता दी अपनी थियोरीज के साथ, और अगर आपको लगता है कि मैंने और कोई चीज मिस कर दी है तो आप उस बारे में मुझे कमेंट कर जरूर बताइएगा, क्योंकि उस पर एक अलग से वीडियो बन जाएगी अगर कोई चीज मिस हुई होगी तो आप डेफिनेटली जाते जाते मेरे इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और लगे तो बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि मैं इस चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।